सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी बाल भारती में कक्षा चौथी में पाठ दसवां समानता यह पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा, आप अपने मन में दोहराएं। समानता। रविवार का दिन था। आसपास के लड़के लड़कियां बाग में खेलने के लिए इकट्ठा हुए थे। मंजुला बोली, यह बाग कितना सुंदर है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, तरह तरह के फूल पौधे लहलहा रहे हैं। शाम को घूमने आए बुजुर्ग श्री परमानंद जी बच्चों की बातें सुनकर उनके पास आए। उन्होंने कहा, बेटी, यह बाग भी अपने भारत जैसा ही है। इस बाग की तरह अपने भारत देश में अनेक धर्म, जाति, भाषा, प्रदेश के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इनके अपने अपने अनेक त्योहार हैं। सबके मनाने के ढंग अलग अलग हैं। सभी बच्चे शांत होकर सुन रहे थे। परमानंद जी ने देखा कि बच्चे तो एकदम गंभीर हो गए हैं। उन्होंने विषयांतर करते हुए पूछा, अच्छा बताओ तो इन अलग अलग फूलों में कौन सी एक चीज है जो सब में एक समान है। सभी सोचने लगे। प्रियंका ने कहा, सुगंध। परमानंद जी बोले, बिल्कुल सही। अब तुम सब यह बताओ कि वे कौन सी कृतियां हैं जो सभी त्योहारों में समान रूप से की जाती है। बच्चे बारी बारी बोल उठे, साफ सफाई करते हैं, दो घरों की सजावट करते हैं, तीन आंगन में रंगोली बनाते हैं, चार खरीदारी करते हैं, पांच उपहार लेते देते हैं, छह रोशनाई करते हैं, सात पकवान बनाते हैं, आठ पास पड़ोस में पकवान बांटते हैं, नौ बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, दस प्रेम से गले मिलते हैं। परमानंद जी इन होनहार बच्चों की विविधता में एकता का भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सभी को शुभ आशीष देते हुए घूमने के लिए चल पड़े। बच्चों, अभी इस पाठ को हम लोग समझेंगे। रविवार का दिन था। रविवार का दिन था मतलब संडे, जिस दिन हमको छुट्टी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, बाग में खेलने जाते हैं। तो वहाँ पर भी आसपास के लड़के लड़कियाँ बाग में खेलने के लिए इकट्ठा हुए थे। तो वहाँ जो एक बाग था, उस बाग में आसपास के सारे लड़के लड़कियाँ इकट्ठा हुए थे। तभी एक मंजुला नाम की लड़की बोली, यह बाग कितना सुंदर है, क्योंकि वो बाग इतना सुंदर था, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। हरियाली मतलब पेड़ पौधे, फूल, ये सब थे। इसके लिए उसने कहा कि यह बाग कितना सुंदर है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, तरह तरह के फूल पौधे लहलहा रहे हैं। लहलहा रहे मतलब हवा की वजह से वो झूम रहे हैं। शाम को घूमने आए बुजुर्ग श्री परमानंद जी बच्चों की बातें सुनकर उनके पास आए थे। तो एक बात बताओ मुझे, वो सुबह घूमने के लिए गए थे या शाम को घूमने के लिए गए थे? शाम को घूमने के लिए गए थे। तो बुजुर्ग मतलब बूढ़े, जिनकी उम्र हो गई है, जैसे हमारे घर में दादाजी दादी जी होती है उस प्रकार से। उनका नाम था परमानंद जी। वे बच्चों की बातें सुनकर उनके पास आए और उन्होंने मंजुला से कहा, बेटी, यह बाग भी अपने भारत जैसा ही है। तो उन्होंने उस बाग को किसकी उपमा दी, भारत की। इस बाग की तरह अपने भारत देश में अनेक धर्म, जाति, भाषा, प्रदेश के लोग मिलजुल कर रहते हैं। अभी अपनी कक्षा में ही देख लीजिए, अपनी कक्षा में अलग अलग धर्म के लोग हैं। हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जैन है, बौद्ध है, अलग अलग जाति के लोग होते हैं, अलग अलग भाषा के। जैसे यहाँ पे कोई कन्नड़ बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई ब्रज बोलता है, तो कोई मराठी बोलता है, अलग अलग प्रदेश से। जैसे आप लोग उत्तर प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान से, गुजरात से आए हो, उसी प्रकार से अलग अलग लोग एक साथ मिल कर रहते हैं। इनके अपने अपने अनेक त्योहार हैं। अब आपको आपने देखा होगा कि अभी फिलहाल में हमने गणपति का त्यौहार मनाया। क्या उत्तर प्रदेश में गणपति का त्यौहार इतने जोरों शोरों से मनाया जाता है? नहीं, लेकिन वहाँ दूसरा त्यौहार मनाया जाता है। जैसे वहाँ की होली होती है, वो बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। हाँ, मुस्लिम लोगों में ईद मनाते हैं, हाँ क्रिश्चियन लोगों में क्रिसमस मनाते हैं। तो ऐसे अलग अलग त्यौहार हम मनाते हैं, सबके मनाने के ढंग अलग अलग है। क्या दिवाली हम ईद की तरह मनाते हैं? नहीं, दिवाली में कुछ अलग करते हैं, ईद में कुछ अलग करते हैं।
तो सभी बच्चे शांत होकर सुनने लगे क्योंकि उनकी बातें उन बच्चों को पसंद आने लगी। परमानंद जी ने देखा कि बच्चे तो एकदम गंभीर हो गए, तो उन्होंने विषयांतर किया। विषयांतर मतलब विषय को बदल दिया। अच्छा बताओ तो इन अलग अलग फूलों में कौन सी एक चीज समान है जो सब में एक समान है? अब तुम लोग मुझे बताओ, गेंदा का फूल हो या गुलाब का फूल हो या मोगरे का फूल हो, ये सब फूल अलग अलग है, दिखने में अलग है, इनका रंग अलग है, आकार अलग है, लेकिन इनमें कोई एक चीज है जो समान है, क्या आप बता सकते हो? तो वहां पे भी सभी सोचने लगे और उसमें से प्रियंका ने कहा कि सुगंध। जैसे देखो गुलाब में भी सुगंध होती है, मोगरे के फूल में भी सुगंध होती है, गेंदे के फूल में भी सुगंध होती है, तो इस प्रकार से अलग अलग फूलों में जिस प्रकार से सुगंध समान होती है, उसी प्रकार से हमारे देश में भले ही अलग अलग जाति धर्म भाषा हो, लेकिन हमारे देश के सारे लोग एकता से एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो परमानंद जी ने जब ये सुना तो बोले कि बिल्कुल सही, अब तुम बताओ वे कौन सी कृतियाँ हैं जो सभी त्योहारों में समान रूप से की जाती है? तो आप अभी आप अपने बारे में सोचिए, ईद हो या दिवाली, होली हो या क्रिसमस, इन सभी त्योहारों में कौन सी चीज़ है जो हम लोग सब करते हैं? जैसे पहला घर की साफ सफाई करते हैं, चाहे ईद हो चाहे दिवाली हो चाहे क्रिसमस हो, हम लोग घर की साफ सफाई करते हैं। दूसरा घरों की सजावट करते हैं, करते हैं कि नहीं? ईद में हम लोग घर को कलर करते हैं या दिवाली में भी हम लोग घर को कलर करते हैं, आंगन में रंगोली बनाते हैं, खरीदारी करते हैं, ईद के लिए नया कपड़ा खरीदते हैं कि नहीं, दिवाली के लिए भी नया कपड़ा खरीदते हैं, क्रिसमस के लिए भी नया कपड़ा खरीदते हैं, फिर उपहार लेते देते हैं, ईद में ईदी देते हैं, दिवाली में भी हमारे जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो क्या करते हैं, हमें मिठाइयाँ या कोई उपहार देते हैं, रोशनाई करते हैं। दिवाली में तो हम लोग पूरा घर सजा देते हैं दियों से, अलग अलग प्रकार की रोशनाई से हम लोग अपना घर सजाते हैं, पकवान बनाते हैं। ईद में जैसे हम लोग सेवैया बनाते हैं, तो दिवाली में लड्डू चिवड़ा चकली ऐसे अलग अलग प्रकार के पकवान बनाते हैं, पास पड़ोस में पकवान बांटते हैं। तुम लोग भी कई बार पकवान लाके देते हो कि नहीं देते हो सर को दिवाली के आने के बाद? तो इसी प्रकार से हम लोग आस पड़ोस में क्या करते हैं, पकवान बांटते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और प्रेम से गले मिलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाया गया ये बच्चा क्या कर रहा है, घर को सजा रहा है, ये लड्डू बना रही है, ये अपने सहेली को पकवान दे रही है, ये बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं, ये घर को रोशनाई से सजा रहे हैं, ये खरीदारी कर रहा है, ये बड़ों के आशीर्वाद ले रहे हैं, ये रंगोली निकाल रही है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग त्योहारों में करते हैं, भले ही वो ईद हो या क्रिसमस हो या दिवाली हो, कोई भी अलग अलग प्रकार के त्यौहार है, अलग अलग धर्म के त्यौहार है, लेकिन इन सब में ये जो 10 चीज़ें हैं क्या है, समान है। जिस प्रकार से अलग अलग फूलों में सुगंध समान है, उसी प्रकार से अलग अलग त्योहारों में ये बातें समान हैं। परमानंद जी ने इन होनहार बच्चों की विविधता में एकता के भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, सभी को शुभ आशीष देते हुए घूमने के लिए चल पड़े। तो ये जो परमानंद जी थे, इन्होंने बच्चों से ही ये सारी बातें निकलवाई और इसको सुनकर उनमें जो विविधता में एकता का भाव था, उसको देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और सभी को आशीष देते हुए घूमने चल पड़े। तो हमें भी अब एक बात का ध्यान रखना है कि भले ही हम अलग अलग जाति या धर्म के बच्चे हैं, लेकिन हमको आपस में विविधता में एकता का भाव बनाए रखना है। धन्यवाद बच्चों। अभी इस पाठ के हम लोग कठिन शब्द देखने वाले हैं। इकट्ठे, इकट्ठे माने जमा होना, हरियाली, हरी वाली, हरियाली माने हरी भरी जगह, बुजुर्ग, बुजुर्ग माने वयस्क व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति अर्थात बूढ़े व्यक्ति, त्योहार, त्योहार माने पर्व फेस्टिवल, ढंग, ढंग माने तरीका, होनहार, होनहार माने होशियार, गंभीर, गंभीर मतलब गहरी सोच में, सुगंध, सुगंध का मतलब खुशबू, सजावट मतलब सजाना, किसी भी वस्तु को हम लोग सजाते हैं, उपहार, उपहार माने भेंट वस्तु अर्थात गिफ्ट, पकवान, पकवान माने खाद्य पदार्थ, जैसे हम लोग लड्डू बनाते वो खाद्य पदार्थ, आशीष, आशीष माने आशीर्वाद। बच्चों इस पाठ में आपने देखा होगा कि कहीं जगह ये चिन्ह आया है, इसको हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह वह चिन्ह है जो शब्दों, पदों, उपवाक्यों आदि को जोड़ता है, योजक चिन्ह कहलाता है। जैसे यहाँ पे लड़के और लड़कियाँ, जब हम लोग दो विभिन्न लिंग वाले शब्द, जैसे लड़का ये पुल्लिंग है, लड़की यह स्त्रीलिंग है,
जब दो विभिन्न लिंग वाले शब्द एक साथ जोड़ते हैं तो हम लोग वहां पर योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं। यहाँ पे देखो हरियाली ही हरियाली, यहाँ दो समान शब्द है। अभी हमने देखा कि जो दो शब्दों को या दो पदों को जोड़ता है, तो यहाँ पे देखो हरियाली हरियाली, इन दोनों शब्दों को ये ही से जोड़ रहा है, इसके लिए यहाँ पे दो योजक चिन्ह है। फूल पौधे, तो देखो ये फूल और पौधे, ये पेड़ से ही, ये पौधे मतलब पेड़ ही होता है और उससे आने वाले ये फूल होते हैं। तो जब ये दो शब्द, ऐसे दो शब्दों को हम लोग जोड़ते हैं तो वहाँ पे योजक चिन्ह उपयोग करते हैं। जब हम लोग एक ही शब्द दो बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे अपने अपने, या देखो अपने एक बार और ये दूसरी बार, जब हम लोग दोनों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे भी योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं। मिलजुल कर, अभी मिलना और जुलना, अभी जुलना का तो कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये दोनों शब्द हम लोग एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे जगह पर हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आसपास, आसपास माने दोनों का अर्थ लगभग एक ही है, तो ऐसे शब्दों को भी समान अर्थ वाले, दो समान अर्थ वाले या दो विभिन्न अर्थ वाले या दो अलग अलग लिंग वाले शब्दों को जोड़ने के लिए हम लोग इस योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं। यहाँ देखो कौन सी, पास पड़ोस, पास पड़ोस दोनों सेम शब्द है, बारी बारी देखो एक ही शब्द दो बार आया है, अलग अलग एक ही शब्द दो बार आया, तो ऐसे शब्दों को या पदों को या उपवाक्यों को जोड़ने के लिए हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आपको भी आपको इस पाठ में ये सारे शब्द दिए हैं, इन सारे शब्दों के अलावा अलग अलग पाठों में जो शब्द दिए हैं उनको ढूंढकर आपको लिखना है। धन्यवाद।